हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर लिमिट और डिफेंसिबिलिटी, सीमा और अवकलज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके सभी नियमों को और इसके एक्सरसाइज को बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, उसकी हमको लिमिट दी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हमको यह इसका सीमा कहलाएगा। इसमें तीन दो प्रकार की लिमिट होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। बाएं पक्ष की सीमा और इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। और दूसरी लिमिट होती है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं दाएं पक्ष की सीमा और इसको हम एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स करते। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तब हम कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है। क्लियर? यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करना कहलाएगी और उसको हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक फार्मूला है, इसको सभी नोट कर लेंगे कि इस फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन करना है। तो जैसे यह क्वेश्चन दिया, मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहां देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स की पावर 15 माइनस वन, इसके अपॉन हम कर देंगे एक्स माइनस वन। क्लियर? और इसके साथ में हम इंटू करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 10 माइनस वन। इसको थोड़ा और हम देखते हैं तो ये हो गया आपका x 15 माइनस वन अपॉन x माइनस वन और इसके अपॉन x 10 माइनस वन अपॉन x माइनस वन। क्लियर? अब आप ये थ्योरम से इसका मान कितना हो जाएगा, 15 वन की पावर 15 माइनस वन और नीचे की लिमिट क्या हो जाएगी, 10 वन की पावर 10 माइनस वन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 15 अपॉन 10 3/2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इस केस में हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स को y मान लेते हैं। तो x की लिमिट अगर 0 है तो y की लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 0 इक्वल वन, ठीक है। तो यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी। अब हम देखेंगे लिमिट y टेंडिंग टू 1 रूट y माइनस वन अपॉन y माइनस वन, इसको आप यहां से इस तरह से सॉल्व कर सकते, लिख सकते हैं चाहे तो x टेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस x माइनस वन अपॉन 1 प्लस x माइनस वन, ठीक है। तो 1 प्लस x के स्थान पर क्या रख दिया हमने, माना, ठीक है।
तो अब हम यहां देखते हैं, हम नियम लगाएंगे। यदि हमने नियम बताया था आपको कि x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, इसका मान क्या था n a की पावर n माइनस वन, इस नियम का उपयोग करेंगे। इस नियम का उपयोग करते हैं तो यहां कितना आ जाएगा, इसको आप नियम का उपयोग करने के लिए इसको इस रूप में थोड़ा सा लिख दें, y टेंडिंग टू 1 y की पावर 1/2 1 की पावर 1/2 y माइनस 1। तो यहां क्या आ जाएगा, n का मान कितना 1/2 और 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन करने के लिए आपको ये दो फार्मूले जो हैं इनको नोट कर लें, इन्हीं पे बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमको यह क्वेश्चन है, इसकी लिमिट ज्ञात करना है। तो हमने आपको कौन सा फार्मूला बताया था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, हमने आपको ये थ्योरम बताया था। अब इसका यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो करिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, इसको आप थोड़ा सिंपल करिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 4x इसके अपॉन हम 4x करते हैं, तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर साइन 2x, तो यदि इसके नीचे 2x करते हैं तो यहां 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी या थ्योरम का यूज करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 इंटू 1 2 इंटू 1 4y2 इक्वल टू 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको इसकी लिमिट ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan होता है sin, sin x अपॉन x 1 अपॉन cos x, और sin x अपॉन x की लिमिट क्या थी 1, ठीक है। तो इसका उपयोग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 इंटू, और x का मान 0 का तो cos 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये बच्चे सभी अपने घर में करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको करना है तो इसमें हम एक करके दिखा दे रहे हैं, जैसे सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 3, तो इसमें हम x की वैल्यू 3 रख देंगे डायरेक्ट, तो 3 प्लस 3 इक्वल 6, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में हमको दिया है लिमिट x टेंडिंग टू पाई x माइनस 22 अपॉन 7, तो आप यहां मान रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई इक्वल 0, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, और यदि कोई डाउट है तो हमसे आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन लिखेंगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे।